Audio Jungle. मैं हॉस्पिटल में आया हूँ और सीमा साहब भी हैं और गुंजन आर्य डॉक्टर मैडम भी हैं। यहाँ इनके द्वारा बताया गया कि करीब 7:45 को 2-3 युवकों के द्वारा जो शराब पीकर आए थे और ये सब इमरजेंसी वार्ड में सामान को इधर उधर फेंका गया और इनके द्वारा इनके साथ शायद बदतमीजी की गई और ये सब अपना अपने जो डेली रूटीन का काम है वो कर रहे थे। तो इनके द्वारा तत्काल जो है कोतवाली को सूचित किया गया, हम लोगों को भी जानकारी मिलेगी तो हम लोग भी आ गए हैं। अब इसमें जो भी इनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई है और उसी के तहत जो पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, मैं एक्चुअली अपनी ड्यूटी कर रही थी, 2 बजे से 8 बजे तक की मेरी ड्यूटी थी इवनिंग में। तो 7:45 के आसपास 3 लड़के इमरजेंसी में आए, उसमें से एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग वो घायल, थोड़ा सा उसको चोट था, मैं उसका इलाज कर रही थी। फिर बाद में 2 लड़के और आए पीछे से, तो इलाज करने के दौरान मैंने उसका इलाज किया तो उसने पट्टियाँ वगैरह खोल के सब फेंक दिया और मेरे स्टाफ के साथ पहले बदतमीजी किया, गाली गलौज किया। फिर मैं उसको समझाया कि वो थाने में जाके एक बार कंप्लेन कर ले, तो वो तीनों के तीनों साथ में आके फिर मेरे साथ बदतमीजी, मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। फिर मैंने कोतवाली में कंप्लेन किया तो उसमें से एक को तो वो लेके चले गए, लेकिन 2 बाकी जो थे वो फिर लगातार मेरे साथ और मेरे स्टाफ के साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने सारी सरकारी संपत्ति को भी नुकसान किया और बाकी इसके वजह से मेरे जो कार्य में बाधा भी आई और सरकारी कार्य में मुझे बाकी इलाज करने में भी, बाकी लोगों का इलाज करने में भी दिक्कत होने लगी। उसके बाद मैंने फिर कंप्लेन किया है, अब आगे की कार्रवाई कानूनी तरीके से ही होगी।